ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1950s, ये कि आपने ऐसे ही लिख दिया है, बाकी सही बात है। चाय का रंग बदलता जा रहा है, 24 घंटे खुला रहता है हमारे, कभी भी आ जाए, एनी टाइम। अगर आप सदर के एरिया में हैं और आपने करम खान की चाय नहीं पी, लाहौर से आ रहे हैं, कोई पिंडी से आ रहा है, कोई सिंध से आ रहा है, अंदरून है, छोटा पराठा जिसके अंदर मक्खन डाला गया है और उसके बाद इस पे चलाए गए हैं हाथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों हम लोग आज मौजूद हैं सदर के मकाम पे और यहाँ आने की हमारी रीजन है जी करम खान कैफे। चाय आप लोगों ने बहुत जगह पी होगी जहाँ पे आपको बहुत अच्छी चाय मिलती होगी, लेकिन मेरे मुताबिक यहाँ पे कराची की वन ऑफ द बेस्ट चाय मिलती है जो कि गुड़ में तैयार होती है। और सिर्फ ना के यहाँ पे शाम में चाय मिलती है, यहाँ पे रात को 12 बजे, 1 बजे, सुबह के 4 बजे आप जब आएंगे आपको यहाँ पे चाय मिलेगी और रश मिलेगा। मैं अपने दोस्तों में जिसको भी यहाँ पर लाया हूँ, जो भी चाय का बहुत शौकीन है, मैं खुद चाय का बहुत शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जिसको भी मैं यहाँ पे लाया हूँ उसने इस चाय की तारीफ ही की है। चाहे वो मेरा दोस्त अभी दुबई से आया हुआ सलमान, या मेरे और बहुत सारे दोस्त जो बहुत चाय लवर्स हैं, उनको यहाँ बुलाया और कितनी यहाँ पे हजारों लाखों रुपए की चाय जो है एक दिन में सेल हो जाती है। तो ये सारी चीजें आज आपको बताने के लिए कि चाय और चाय के अलावा यहाँ पे और दीगर क्या चीजें मिलती हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में चल के एक्सप्लोर करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। हम अभी अजीम भाई के साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ के ऑनर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? खैर वाफियत। अच्छा ये बताएं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1950s, ये कि आपने ऐसे ही लिख दिया है, बाकी सही बात है? नहीं नहीं, रियल हिस्ट्री है इसकी हमारी। अच्छा, मेरे वालिद साहब का काम है बेसिकली। वालिद साहब पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ इसी सराउंडिंग एरिया में जो ना आगे काम शुरू किया था, चाय का ही उसी टाइम से ऑनवर्ड चल रही रहा है, उस वक्त से पाकिस्तान बनने से पहले का। अच्छा, जब के ये हिंदुस्तान हुआ करता था। जी जी। अच्छा, तो मतलब ये आप की चाय इतनी यूनिक क्यों है, क्या ऐसा है चाय के अंदर जो हम लोग बाकी जगह जाते हैं तो वो टेस्ट नहीं मिलता? बस इसमें क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कोशिश करते हैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें, चीज सारी अच्छी इस्तेमाल करते हैं, प्योर पे काम करते हैं, और एक अलग यूनिक हमारा फार्मूला है, शुरू से वही चलता आ रहा है वाले साहब के टाइम का। तो किस्म की हमारी बेसिकली चाय होती है, एक ईरानी चाय जो पहले सेपरेट चाय कहलाती थी, ये ईरानी चाय ज्यादा हमारी फेमस यही है चाय। अच्छा, तो पाकिस्तान बनने के टाइम पे और शुरू में यही चाय चलती थी, तो फेमस भी हमारी ज्यादा यही चाय है। और ये दूध पत्ती को स्टार्ट किए हुए हमें तकरीबन 20-22 साल हो गए। अच्छा, लेकिन इसका अपना डिफरेंट टेस्ट है बाकी होटलों के मुकाबले में, आपको अलग ही जायका मिलेगा, अलग टेस्ट। जी बिल्कुल। फिर अल्हम्दुलिल्लाह चाय का टेस्ट इस लेवल का है कि लोग जो है ना आउट ऑफ सिटी भी जो ना जो आते हैं आउट ऑफ सिटी से, वो भी पूछते हुए आते हैं कि यार हमने आपकी तारीफ फलाने शहर में सुनी है, उधर सुनी है, लाहौर से आ रहे हैं, कोई पिंडी से आ रहा है, कोई सिंध से आ रहा है, अंदरून है, वो सुनते हुए पूछते हुए आते हैं कि यार कैफे करम खान कहाँ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारे काफी, मतलब मैंने चाय जो है ना वो कराची जैसी ना मैंने क्वेटा में पी है, ना ही लाहौर में पी है, ना ही इस्लामाबाद में पी है, यहाँ की चाय की बात ही अलग है। जी ऐसी है चाय, सबसे ज्यादा पी भी कराची में जाती है। 24 घंटे खुला रहेगा? 24 घंटे खुला रहता है हमारे, कभी भी आ जाए, एनी टाइम, सुबह 7-8-9-10 कभी भी आए। जी एनी टाइम नाश्ता, एक ही स्टैंडर्ड की चाय, कोई भी खड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कारीगर कोई भी हो, माशाल्लाह सब ट्रेंड है और एक ही फार्मुलेशन पे हम लोग सब चलते रहते हैं। गुड़ डलता है मेरे ख्याल में? गुड़ भी डलता है जी, हमारी पत्ती का ब्रांड अच्छा है, अपना ब्रांड है, और दूध की क्वालिटी होती है, दूध में हम बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं ऐड करते, प्योर दूध पे प्योर दूध पत्ती बनती है। तो अभी आपकी जो है चाय ट्राई करते हैं, लोकेशन समझा दे कहाँ पर है। लोकेशन बहुत आसान है, कैफे करम खान, मेन दाऊद पोता रोड, सदर कराची, ये शाहजी एक्सल वाला यूनाइटेड बेकरी वाला रोड भी कहलाता है, दाऊद पोता रोड, कैंट स्टेशन से ऑनवर्ड आ रहे हैं आप तो सेंटर में ही पड़ेगा। कैफे करम खान ऑलरेडी खुद ही इतना मशहूर है कि अगर आप
किसी से गूगल सर्च करेंगे तो गूगल सर्चिंग पे भी आ जाएगा। अलावा क्या क्या चीजें? चाय के अलावा हमारे पास काफी आइटम है, स्नैक्स में समोसे वगैरह में काफी आइटम है, फिर फास्ट फूड का काम है, बंद कबाब है, खाने के दोपहर के आइटम है, रात के अलग लाइव आइटम है, कटाकट हो गया, कढ़ाई हो गई, तवा कीमा वगैरह, इस किस्म के लाइव आइटम भी है रात के, और दिन के रेगुलर जो खाने होते हैं उसमें निहारी हमारी मोस्ट फेवरेट है। फिर और निहारी भी है के पास? निहारी भी है, निहारी भी अच्छी बनती है, निहारी भी यानी कि बहुत हाई लेवल के लोगों के जो है नाम उनकी स्टैंडर्ड की तो नहीं, लेकिन कम से कम सदर में हमारी जैसी निहारी जो है ना मिलेगी, जायद के बाद अगर है तो हमारा नाम है। आपका नाम जी? चले अभी चल के अभी जो है ना फिलहाल इनकी दो तीन चीजें ट्राई करते हैं, एक इनका चाय एक इनका पराठा, चल के ट्राई करते हैं और ट्राई करके आपको उसका जायका बताते हैं कैसा है। भाई यहाँ पे जो है ना, भाई मैंने भाई को बोला मुझे थोड़ी ईरानी चाय जो है ना वो भी यहाँ पे टेस्ट करवा दें, उन्होंने वो मुझे बिल्कुल देसी स्टाइल में जो है ना चाय दे दी। अब मैं ट्राई करता हूँ पहले ये वाली, बाकी जो चाय है वो फिर वहाँ बैठ के ट्राई करूंगा। बिस्मिल्लाह खान ने ओह ये देख, ओए भाई टेक्सचर देखें इसका कितना खूबसूरत आ रहा है, ये देखें आप चाय का रंग बदलता जा रहा है। अब आया जायका यार, ये मजे की है, ये भी ये तो मुजम्मिल खुद नहीं बताता। तो अब करम खान पे आना ना, ईरानी चाय भी ट्राई करनी है यहाँ की, सही है ना? पहले ये बिकती थी असल में, तो खुद नहीं पता। कमाल है, बेहतरीन, मजा आ गया चाय पी के। अच्छा भाई अभी सबसे पहले हमारे पास आ गया है बंद कबाब। यहाँ पे वैसे तो हम आए हैं चाय के लिए, यहाँ की चाय मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट चाय है कराची की, इसके अलावा नाज़ाबाद में है अब्बास की चाय, वो भी बहुत कमाल है। और अगर आप सदर के एरिया में हैं और आपने करम खान की चाय नहीं पी, ये रात दिन आपको चाय यहाँ मिलेगी, 24 घंटे चाय मिलेगी, बेहतरीन किस्म की चाय, गुड़ में पकती है चाय, और बहुत मैं ऐसे चाय लवर हूँ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं। समोसे यहाँ मिलते हैं, यहाँ पे आपको कीमा मिलेगा, सालन मिलेंगे, लेकिन जो चाय है इनकी कॉफ़ी है, बाकी चीज़ें, लेकिन चाय बहुत कमाल है। लेकिन हम सिर्फ चाय पीने के लिए आए थे तो हमने कहा यार और चीज़ भी ट्राई करें, हमने यहाँ पे बंद कबाब मंगाया है और इनका एक जो एक हमने एक वीडियो में देखा था कंग फू पराठा, तो यहाँ पे वो कचूमर पराठा है, चुड़ पराठा है, वो मंगाया चाय के साथ खाने के लिए, तो वो क्या उसमें डिफरेंट है, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, वो सब आपको बताते हैं। पहले इनका ये बंद को आप ट्राई करते हैं, ये नॉर्मली हम लोगों ने बंस रोड पे ही ट्राई किया हुआ है, तो आज ये यहाँ पे ट्राई करते हैं। इनके थोड़ा बंद ले लिया है, साथ थोड़ा कबाब ले लिया है, साथ थोड़ा प्याज ले लिया है, साथ थोड़ा रायता ले लिया है, मान रही है। ऑलमोस्ट वही टेस्ट है जो आपको बंस रोड पे टेस्ट मिल रहा है ना, बंद कबाब 120 रुपये का ही है, दो कबाब हैं, दो बन हैं, तो ये तो पास है। चाय यहाँ पे पीने के लिए ना लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, मेन मुद्दा यहाँ का है चाय, लेकिन ये बंद कबाब भी कम नहीं है। ये नो पराठा जो आता है वो भी ट्राई करते हैं, कीमा भी जो यहाँ पे मिल रहा है चिकन का वो ही बड़ा कमाल है, मैं सोच रहा हूँ वो भी थोड़ा सा मंगा ही लें, क्या बोलते हैं आप? मंगा लें, पीछे से गर्दन उन्होंने यूँ किए। चाय आ गई है, तो ये चाय यहाँ पे कौन सी है, करम खान स्पेशल चाय है 90 रुपये की, करम खान स्पेशल कट चाय है 60 रुपये की, दूध पत्ती गुड़ वाली जो है 100 रुपये की है, पार्सल चाय 120 की है, तो इस तरह से ये वाली है 90 रुपये की, और ये है चुड़ चुड़ पराठा जिसके अंदर मक्खन डाला गया है और उसके बाद इस पर चलाए गए हैं हाथ। ये पराठा थोड़ा लेते हैं,
इसको हम चाय में डुबो के भी खा सकते हैं, वैसे दोनों काम कर सकते हैं। आज हम डुबोए खाते हैं, डुबो लिए, आहा डुबो के अब खाते हैं। मक्खन नहीं लग रहा, माजून नहीं लग रहा वैसे ये, लेकिन बहुत मजे का लग रहा है। जो भी है, पराठे में आपको तोड़ने की मेहनत ही नहीं करनी, ये आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत एक फ्लेवर आ रहा है इसका ना, माजरीन का और पराठे का ना। ये जो चाय लवर है ना, अभी तक चाय लवर, उन्होंने अगर करम खान की चाय नहीं पी ना तो लाजमी एक दफा मेरी रिकमेंडेशन में यहाँ पर आए। रात को 2 बजे आए, शाम को 4 बजे आए, सुबह 4 बजे आए, आपको यहाँ पे ऐसा ही रश मिलेगा, ह्यूज क्राउड होता है यहाँ पे। यहाँ पर आए, पराठा मंगाएं, कीमा मंगाएं, लेकिन ये पराठा चाय तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, ये इतने मज़े की चाय है। अच्छा एक दफ़ा ये हो गया ना, मगर एक दफ़ा हमारे दोस्त जो बिहाइंड द कैमरा हमें ले आए, उन्होंने बोला आज आपको ऐसी चाय पिलाएंगे मज़ा आ जाएगा। दोस्तों को यहाँ पे ले आए, वैसे चाय आगे पीछे बहुत अच्छी मिलती है, मैं यहाँ पे पीता हूँ आगे चाय, लेकिन जिस दिन उन्होंने जाके बोला ना कि चाय अच्छी बना दें, तो उस दिन चाय अच्छी नहीं बनी, पता नहीं क्या हुआ था, इसने क्या जाके बोला उसे कान में कि चाय अच्छी बना दें, तो चाय उस दिन सबसे फारिक चाय उस दिन मिली थी हम लोगों को। आज ये बगैर बोले लेकर आया, हाँ चाय अच्छी है, चाय मज़े की है, ये गुड़ डलता है, कॉफ़ी डालते हैं, क्या डालते हैं, क्या फार्मूला है इनका, लेकिन बहुत यूनिक है। और जो भी लोग चाय लवर हैं, चाय की तलाश में हैं, अच्छी चाय पीना चाहते हैं, वो लाजमी यहाँ पर आए और इसको आके ट्राई करें। अभी मैं देखता हूँ मेरे पास जगह बचती है तो फिर मैं कीमा ट्राई करूँगा, वरना ओवरऑल जो है चाय कमाल है, कमाल। तो जी ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको चाय के बारे में सारी डिटेल दी, जिसके अंदर में ना कि सिर्फ चाय पी, हमने यहाँ का चुंग चुंग या पनीर चुंग चुंग कौन सा चुक चुक पराठा, जो कहीं पे कंगफू पराठा है, कहीं पे कचूमर पराठा बोलते हैं, तो उसको वो उसमें मक्खन के साथ ये तैयार करके आप इन्होंने हमें दिया और हमने ट्राई किया। अच्छा चाय यहाँ पे 90-100 रुपये इस तरह की, फिर हमने यहाँ का बनगाव ट्राई किया, वो भी बहुत अच्छा था। तो चाय मगर यहाँ की बहुत कमाल है, अगर आपका चाय पीने का दिल चाहे तो ये यूनाइटेड बेकरी वाली गली है, मैं एड्रेस आपका पिन कर दूंगा, मेन सदर में आप कहीं पूछेंगे करम खान की चाय, तो ये बहुत मशहूर चाय है, बहुत ही यूनिक इसका टेस्ट है, आप आके इसको ट्राई कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये चाय पसंद है, अमूमन जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं चाय बहुत शौक से नहीं पीता, लेकिन आज आप लोगों को दिखाने के लिए, आप अगर कराची आ रहे हैं या कराची में रहते हैं तो यहाँ की चाय अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं की तो आए इस चाय को ट्राई करें, ताकि आप लोग भी वो मज़ा उठा सकें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया है चाय से। सही है जी, तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।